नांदेडचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर हे स्वतः रस्त्यावर उतरलेले असून कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सुद्धा पूर्णपणे रस्त्यावर उतरलेले आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यामध्ये वाढताना दिसत आहे। कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी काही निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत। नागरिकांनी घराबाहेर न जाता घरामध्ये थांबावे आणि यापुढे ही वाढती संख्या न थांबल्यास नाईलाजाने पूर्णपणे लॉकडाऊन करावे लागेल असा सूचक इशारा सुद्धा जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर यांनी दिलेला आहे। रविवारी जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, उपायुक्त सुनील लहाने यांनी रस्त्यावर उतरून ज्या नागरिकांनी मास्क लावलेला नाही अशा नागरिकांना तातडीने ITI चौकामध्ये कोरोनाची चाचणी करण्याचे आदेश दिले, तर काही जणांना मास्क नसल्याने दंड देखील लावण्यात आला आहे। जिल्हा प्रशासन कोरोना करिता रस्त्यावर उतरल्यामुळे कोरोनाची तीव्रता किती आहे ही बाब स्पष्ट होते। बोलना सही है कि पिछले 7 दिन से हम भी मॉनिटर कर रहे हैं। पहले नांदेड़ में केसेस 20-30-50 के लिमिट में थे, लेकिन अभी वो 600 हमने कल क्रॉस किया है। ये थोड़ा सीरियस बात है। इसके वजह से हमने जो पिछले 21 तारीख को जो लॉकडाउन लगाया है, जिसमें कि जहाँ पे बड़े पैमाने में लोग एक्जुट होते हैं, हमने शॉप से टाइमिंग सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक कर दिया है। होटल बंद कर दिया है। खाना खाने के लिए 5 दरवाजे रहेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, जो ये धार्मिक प्लेसेस है वो भी सब बंद कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर केसेस कम नहीं हुए तो हमको पूरा लॉकडाउन करने के लिए हमको सोचना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सबसे यही विनती है कि प्रशासन 24 घंटे रास्ते पे है, लेकिन आप रास्ते पे मत निकलिए, घर पे रहिए। जब काम है तभी बाहर निकलिए। इसके वजह से हमको ये अभी 3 डिजिट का जो आंकड़ा है, हमको फिर से जो 1 महीना पहले हमारी स्थिति थी 20-30 केसेस वहाँ तक हमको लाना है। और किसी भी हालत में हमने इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाया है। हमने 20 पथक जो गाड़ियों में जाके गल्लो गली जाके टेस्ट करेंगे, ऐसे भी हमने पथक बनाए हैं। हमारा एक ही ये है कि हमको कोरोना का जो ये केस लोड है ये कई कुछ भी हालत में अगले 7 से 8 दिन में हमको कम करना है। जो पहले स्थिति थी जिसमें 100 में से 5 ही पॉजिटिव आ रहे थे, पॉजिटिविटी रेट 5 के नीचे हमको कोई भी हालत में अगले 1 हफ्ते में हमको लानी है। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, नांदेड़।